दिल्ली पुलिस साइबर यूनिट ने 3 कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है और तीनों कॉल सेंटर से 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। विदेशों में कॉल कर लोगों को डरा धमका कर पैसा वसूला करते थे ये लोग। आरोपी हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। ये पूरा मामला सामने आया जहां पर 3 कॉल सेंटर जो कि पकड़े गए, जिनका भंडाफोड़ हुआ। काफी लोग इसमें काम किया करते थे। अवैध रूप से ये कॉल सेंटर संचालित हो रहा था। लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता था। लेकिन खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने 3 कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया और इस पूरे मामले का खुलासा किया। तीनों ही कॉल सेंटर से यहां पर 37 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग क्या करते थे, विदेशों में कॉल किया करते थे, लोगों को डराते थे, धमकाते थे और उनसे इस एवज में पैसे भी वसूला करते थे। ये आरोपी हजारों लोगों से करोड़ों रुपए अब तक ऐड चुके हैं। जैसे इस बात की भनक साइबर सेल को लगी, उसके बाद साइबर सेल ने यहां पर कार्रवाई की और 3 कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता साहिल भावे हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है, 3 कॉल सेंटर अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, क्या कुछ ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल संभव, दिल्ली पुलिस की साइबर सेल साइबर यूनिट को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि इन टीमों ने 3 अवैध तरीके से चल रहे कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया है, जहां पर ये कर्मचारी विदेशों में कॉल कर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी किया करते आ रहे थे। इस पूरे मामले में साइबर यूनिट ने कुल 37 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल जो एक कॉल सेंटर था वो दिल्ली के बींदापुर इलाके में चल रहा था। बकायदा बींदापुर इलाके में जो कॉल सेंटर चल रहा था उसके कर्मचारी विदेशों में कॉल करते थे, फर्जी सोशल सिक्योरिटी नंबर स्कैम, अमेजन टेक्निकल स्कैम और एप्पल टेक्निकल सपोर्ट स्कैम की फर्जी प्रोसेसिंग के नाम पर जासा देकर उनसे करोड़ों रुपए ठगा करते आ रहे थे। वही बात करें जो अन्य दो कॉल सेंटर चलते थे वो दिल्ली के जनकपुरी इलाके में 2 फर्जी कॉल सेंटर चलते थे, जहां पर आरोपी जो थे विदेशों में नागरिकों को कॉल करते थे, फिर उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा करते थे, यूएस ड्रग्स एनफोर्समेंट की जांच के नाम पर डराकर उनसे पेमेंट वसूला करते थे। साथ ही उनको ये कहा जाता था कि आपका जो नाम है वो अपराध की डिटेल में ऐड हो चुका है, उन्हें जल्द एजेंसियों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर आप कोर्ट या एजेंसियों के संपर्क में नहीं आना चाहते, बचना चाहते तो जल्द आप पैसों का सेटलमेंट कर ले। तो कहा जाए काफी लंबे समय से ये करोड़ों रुपए का लोगों से घोटाला कर चुके हैं और साथ ही जनकपुरी के जो मैनेजर थे जो कंपनी के फर्जी कॉल सेंटर के, वो बकायदा कर्मचारी को ये कहते थे कि अपनी बिल्डिंग के आसपास अपने वाहनों को खड़ा ना करें, जिससे लोगों को ये शक ना हो पाए कि इस जगह पे फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। साथ ही संभव ये कर्मचारियों को 1 महीने के 25,000 रुपए दिया करते थे और साथ ही बींदापुर कॉल सेंटर की बात की जाए तो वहां पर 1,000 लोगों के आसपास लोगों से 10 करोड़ की धोखाधड़ी कर चुके हैं और जनकपुरी कॉल सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पे भी लगभग 5 करोड़ की ये विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी कर चुके हैं। जी जी साहिल, दो चीज इसमें ये कि जो लोग हैं यहाँ पर कॉल सेंटर में काम करते थे उनके पास नंबर कहाँ से आते थे, विदेशी जो विदेशी जिनको कॉल किया करते थे डराते थे धमकाते थे, और दूसरी चीज क्या इस पूरे मामले में क्या भारतीय लोग शामिल हैं, क्या विदेशी लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहते थे, कॉल किया करते थे, इस पूरे कॉल सेंटर में काम किया करते थे? देखिए जो इनके जो मैनेजर थे जो इनके कॉल सेंटर के जो हेड थे वो इनको एक तरह से जो कॉल जो कर्मचारी हैं फोन करने वाले उनको एक डाटा प्रोवाइड किया करते थे, उन डाटा को रेंडमली सिलेक्ट किया जाता है किन किन लोगों को कॉल किया जाता था। हालांकि 100 नंबर की लिस्ट देगी, जैसे कि 100 नंबर की लिस्ट देने के बाद उसमें से 5 से 10 लोग जो थे इनके झांसे में फंस जाते थे। उनको डराया जाता था कि आपके ऊपर ड्रग्स का चार्ज लगाया जाएगा, आपके ऊपर ये केस चल रहा है, तो उनको डरा धमका के उनको उनको ये बताया जाता था कि आप जल्द से जल्द हमसे पैसों का सेटलमेंट कर ले वरना आपको यूएस पुलिस जो आपको गिरफ्तार कर लेगी, आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो पूरी तरह से प्रेशर बनाया जाता था। बात करें अरेस्टिंग को लेके, जो यहाँ पे कॉल सेंटर चल रहा था ये सारे भारतीय है, इसमें इसके अंदर महिलाएं भी शामिल है जिसमें 37 लोगों को गिरफ्तार किया और खास तौर पर जो टारगेट है ये विदेशी नागरिक को ही टारगेट किया करते आ रहे थे और लंबे समय से ये फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। और कहा जाए एक साइबर यूनिट को बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि इनके पास से लगभग 37 के आसपास जो कंप्यूटर है वो रिकवर किए गए हैं और साथ ही 40 के आसपास मोबाइल फोन भी इनके पास से बरामद किए गए। तो कहा जाए एक लार्ज स्केल पे एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। ठीक, चलिए साहिल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।